कोरोना टाइम पे मुझे मिली, मेरे को पथरी जी की एक क्लिप मिला जिसमें नाक से बताया था कि पिरामिड हमारी नाक है और हम अपनी श्वासों से कैसे जुड़ करके अपने आप को ध्यान में लेकर के आ सकते हैं। सभी को आत्मवंदन। मेरा नाम सीमा सिंह है और मैं शाहदरा से हूँ और मैं अपने ध्यान के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि ध्यान में कैसे मैं जुड़ी, मेरी लाइफ किस प्रकार से चेंज हो गई। एक्चुअली 2000 में पहली बार मैं जब डिप्रेशन में गई तो एक तरीके का मैं समझती हूँ डिप्रेशन में आने के बाद ही आदमी ध्यान के नज़दीक पहुँच पाता है। और मैं इतना टूट चुकी थी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कि मैं अपने को संभाल नहीं पा रही थी, कोई मेडिसिन मेरे ऊपर कोई वर्क नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो एनर्जी जो हमारा यूनिवर्स हमें दे रहा है वो मेरे को खुद से फील हो रही थी और हर शब्द में मुझे उस ब्रह्मा की समझ आ रहा था कि ब्रह्म एक ही है, हर कुछ ही एक है। उसको मैं टीवी चला रही हूँ तो सॉन्ग में भी मुझे वो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, घर में बात हो रही है तो बस मेरे को जगजीत सिंह का एक भजन होता था माँ का जो मुझे उस समय पर शांत रखता था और मैं अपने आप को हर टाइम उसी से बांध करके रखती थी तो मेरा माइंड सेट रहता था, नहीं तो मेरा माइंड फटने को हो जाता था। फिर मुझे गुरुजी ने एक मेरे हाथ रखा तो उसके बाद मैं अपनी इस पावर को समेट पाई। उसके बाद मैं फिर मेरे को कोरोना टाइम पर मुझे मिली, मेरे को पथरी जी की एक क्लिप मिला जिसमें नाक से बताया था कि पिरामिड हमारी नाक है और हम अपनी श्वासों से कैसे जुड़ करके अपने आप को ध्यान में लेकर के आ सकते हैं और हमारी श्वास ही हमारा गुरु होता है। जबकि मैंने बहुत सारी मेडिटेशन, एक्चुअली मैं योगा से भी कनेक्ट हूँ तो मुझे मेडिटेशन योग निद्रा वगैरह कराना आता है तो ये इससे ऊपर है, कहीं ज़्यादा ऊपर उच्च अवस्था में मैं पिरामिड मेडिटेशन के बारे में बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी ध्यान की, सद्गुरु जी हैं, बहुत सारे जितने भी गुरु जी हैं उनका मैं देखती रहती थी और मैं अपने आप को ध्यान में लाना चाहती थी, अंदर से जैसे खींच रहा था कि आपको ध्यान ही आपका रास्ता है। वो मुझे मिला, लास्ट जो पॉइंट था वो मुझे पत्री जी के द्वारा उस क्लिप में मिला। उसके बाद मेरे घर में जब टीवी वाईफाई कनेक्ट हो रहा था उसमें मेरा जियो कनेक्ट हुआ, जैसे ही उसमें पिरामिड के बारे में आया तो मैं बिल्कुल उछल पड़ी कि पीएमसी चैनल मुझे मिल गया है जो मुझे बार बार यूट्यूब पे देखना पड़ता था। तो उसको देख करके मेरे को मतलब घर में इतना चेंजेस आने लगा, उसमें जैसे बोला कि निगेटिव चीज़ों से आप बिल्कुल परे हो जाइए, ना निगेटिव देखिए, ना बोलिए, ना सुनिए, तो वाकई में घर में पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है। और मैं सबको ये ही कहती हूँ कि न्यूज़ वगैरह देखना बंद कीजिए। एक्चुअली FM पर भी मैं प्रोग्राम जैसे देती हूँ, उनके थॉट्स अपने भेजती हूँ तो उसमें स्पेशली लिखती हूँ आप लोग भी RJs को कि प्लीज़ PMC देखिए, उससे मेरा ध्यान बदला है। लेकिन वो बोल नहीं सकते, किसी कारणवश नाम नहीं ले सकते कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो ध्यान ज़रूर बताते हैं कि इनका ध्यान की ओर ज़्यादा अच्छा से है और मेरा वाकई में वहाँ जादू चल रहा है। मैं रोज़ भेजती हूँ और मेरा FM रेनबो पे रोज़ ही कोई ना कोई थॉट्स आता है और मैं समझती हूँ जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा पति जी का सर पे इतना बड़ा हाथ है कि मेरे सारे कार्य जैसे अपने आप आगे से आगे हो रहे हैं, मुझे कहीं रुकने का ही नहीं मिल रहा है, इतना मेरे ऊपर हाथ है कि सब कुछ तो वही कर रहे हैं। अभी मैं अभी जसी मैम का सुनकर के आई प्रोग्राम तो उन्होंने उसमें बोला कि पत्री जी चले गए हैं लेकिन वो कितने रूपों में अब आ गए हैं और कितनी तेज़ी से वक्त चल रहा है कि ऑल वर्ल्ड हमने PMC बना देना है। सत्युग जो 2030 तक बोला है, मैं समझती हूँ कि अगर हम सब लग कर के मिल कर के PMC मेंबर्स सब जुट जाएंगे अच्छे से काम करने पर, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम जल्दी से अपना पूरा सत्युग देख पाएंगे, अभी जन्म में देख पाएंगे। जैसे कि 2000 में मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, छोटी छोटी बातों का मैरिज के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। हम छोटी छोटी बातों को, हर कोई नहीं चाहता कि हर बात को हम किसी को बता पाएँ। मैं उसी तरीके की थी कि मैं हर छोटी बात को अपने दिल में रखती थी, किसी के आगे शेयर नहीं करना कि अपना दुख किसी को बताना ही नहीं है। इवन अपने मम्मा को भी घर में भी नहीं पता चलने देना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई या कुछ भी हुआ। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं वो घुट करके वो जो इतनी बड़ी जगह बन जाती है आपके दिमाग में, जो एकदम से विस्फोट बन के और कुछ कुछ इतना बड़ा घटता है आपके साथ, आपके जिंदगी में, आपके रिश्ते में,
कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो प्लीज़ मैं कहूँगी डिप्रेशन में ना जाएं, इसके लिए आप अपने दिलों में बातें ना रखा करें, उसको शेयर अवश्य किया करें। जो कि मैं अब PMC में आने के बाद इतना खुल चुकी हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल बच्चा समझती हूँ, और कहीं भी जाती हूँ बिल्कुल खुले इससे मन से बात करती हूँ, जो हो रहा है एज इट इज़ ही बताती हूँ, सत्य पे चल रही हूँ, लिखती भी हूँ मैं फेसबुक पर भी सभी को, आई एम ट्रूथ, ओनली ट्रूथ। तो और बच्चों को फेसबुक पे जैसे सिखाती हूँ कि भी आप सभी, जैसे हमारे को पति जी ने बोला है कि आपको ए आया है तो आप ए ज़रूर सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि ए सीखते ही आप मास्टर हैं। यहाँ पर सभी मास्टर हैं, सभी इक्वल हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो आप उसी दिन से मास्टर बन जाते हैं और आप उसी दिन से सिखा सकते हैं। जब मैंने पहली बार आनापानसति ध्यान करा कि कैसे आपको सांसों पर ध्यान रखना है, आपकी श्वास ही गुरु है, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं कि गुरु हम बनाएं, जब हमारे को पति जी ने बता ही दिया कि हमारी श्वास ही सब कुछ है, गॉड भगवान सब कुछ वही तो है, तो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी का सहारा ही लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी अंदर जाती हुई बाहर निकलती हुई श्वासों को केवल देखना, कितना सिंपल सा है। और इसको इतना इजी समझते हैं लोग, लेकिन जब करने बैठते हैं तो थोड़ा भटक भी जाते हैं कि हमारा तो लग नहीं रहा, जैसे कि मेरी योगा फ्रेंड्स को मैं सिखाती हूँ, हमारा क्यों नहीं लग रहा, मैंने कहा लगेगा, आप धीरे धीरे करेंगे तो प्रैक्टिस में आएंगे, इसको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य जीवन में उतरने का ध्यान ही होता है, हम इसीलिए जीवन में अवतरण लेते हैं कि हमें ध्यान पर पहुंच करके अपने जीवन को सफल बनाना होता है। आप जब भी पैदा होते हैं आप महसूस करें कि हमारे को बचपन से सिखाया जाता है बेटा ध्यान से चलना, सड़क पार करना है तो ध्यान से पार करना, ध्यान से पेपर दे के आना, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे को अलर्ट ही कर रहा होता है कि आपका उद्देश्य केवल और केवल ध्यान है। जब आप इस बात को समझने लगते हैं, मैं समझती हूँ चाहे वो आपकी कोई सी भी एज हो, आपको ये उद्देश्य मिल चुका है कि ध्यान क्या चीज़ है, तो हमें उसी दिन से अपना नया जीवन समझ लेना चाहिए कि हमें नया जीवन तो आज से मिला है, हमारा उद्देश्य पूरा होने जा रहा है, कि मैं हर समय आनंद में रहती हूँ। कोई मेरे से जब भी पूछता है कि आपका कैसे हो, तो मैं लिखती हूँ आनंद में, तो उससे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि आनंद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। और मेरे योगा सर ने, जैसे कि हमारे को वो समझ पाते हैं जो ध्यानी लोग होते हैं कि आप में ऊर्जा कितनी बढ़ चुकी है, तो उन्होंने स्पेशली मेरी फ्रेंड और मेरे को चूज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको घर पे आके इसके लिए और आगे शिक्षा दूंगा कि किस प्रकार से आपने आत्मा और बॉडी को अब अलग करना है और इससे ऊपर वर्क करना है परम आनंद की ओर। जब मैंने पहली बार आनापानसति ध्यान करा तो उन्होंने बोला कि किस प्रकार से आप अपने थॉट्स को आते हुए देखेंगे और जाते हुए भी बड़े प्यार से देखना है आपको। जब हम उसको बड़े प्यार से जाने देते हैं, वो पॉइंट आता है आपका ध्यान की तरफ। आपका बार बार ध्यान भटकता है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, उसको बार बार एक रूटीन में लेना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका किस प्रकार आप ध्यान में विलीन होना शुरू हो जाएंगे। आप यही ना सोचें कि हम 40 डेज का कर रहे हैं तो तभी हम इसके लिए प्रिपेयर होंगे कि हम ध्यान ही बन गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर एक के साथ। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ अलग हुआ कि मैंने 40 डेज पे मैंने नहीं किया, मेरे को थोड़े ही दिन में मेरा ध्यान की तरफ मन लगने लगा। और कई बार मैं क्लासेस नहीं भी ले पाती थी, तो आप ये ना डरे कि हमने क्लासेस कम ली है 40 डेज से तो हम अधूरे रह गए ध्यान की तरफ से, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आप जुड़े रहें। एक छोटा सा ही काम है कि ध्यान को कैसे लगाना है, आनापानसति ध्यान, उसके ऊपर आप अपने आप फोकस रखें और चलते जाएं, फिर देखें आपकी लाइफ किस तरीके से टर्न करती है। जैसे मेरा पिछला जीवन मेरा सोच में गुजरता था, आज मेरे दिमाग में एक भी थॉट्स नहीं रहता और मैं इतना मतलब अपने आप को प्रिपेयर समझने लगी हूँ, किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं आंसर देने को तैयार रहती हूँ। और जब भी क्लास लगती है तो मेरे को रोक दिया जाता है कि जिसका क्वेश्चन हो मेरे पास आंसर ही आंसर होते हैं, कई बार तो मेरे को रोक दिया जाता है प्लीज़ जो वो क्वेश्चन वाले हैं वो आगे आए। तो मैं उत्सुक रहती हूँ इस बात के लिए कि भी कुछ भी मेरे अंदर क्वेश्चन है, छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है, या मैं किसी को ठीक कर सकती हूँ, वहाँ क्वेश्चंस दे पूछ रहे होते हैं लोग, मैं उसको ठीक कर पाऊँ अपने तरीके से जवाब दे करके, क्योंकि हर एक के पास आंसर अपना होता है, हर एक के पास ध्यान में इतना कुछ गहरा छिपा हुआ है। जब आप उसको अपने भीतर उतर कर ढूंढना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे कि असली जीवन हमारा जीवन है क्या। असली जीवन हमारा यही है कि आप अपने भीतर उतरना शुरू करें, बाहर कुछ भी नहीं है, मोह माया है। असली आपका लास्ट जो होगा, ना कोई आपके साथ जाएगा, जो ध्यान से कमाया हुआ आपका असली धन है कि आपने कितने अच्छे कर्म करे हैं। और कर्म भी ऐसे नहीं करने कि आपको उसके बदले में कुछ मिले,
मैं अपना कर्म जो कर रही हूँ, मैं उद्देश्य पत्री जी का लेकर के ही चल रही हूँ कि हर घर में ध्यान पहुँचे, हमारा पूरा वर्ल्ड पीस में हो जाए, लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। मैं बचपन में शुरू में ही घर में भी कभी झगड़ा हो जाता था जैसे दादी मम्मा का, तो मैं रोने लग जाती थी। मैं लड़ाई से बहुत बचपन से डरती थी, मुझे लगता था कि क्यों होती हैं आखिर लड़ाइयाँ, ये क्यों होती हैं। लोग भागते हैं, किसी के घर में झगड़ा हो रहता है तो देखते हैं, कोई बच्चों देखते हैं कि हाँ किसी का हाथ कटा हुआ है। मैं हमेशा बच्चों को कहती थी नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना कि किसी का हाथ पैर कटा हुआ है, आपके भी भगवान काट दे। तो बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा देना कि बच्चे इस तरफ जाए ही ना। तो मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ, बहुत संस्कारी हैं। मेरी बेटी की शादी हुई है तो वहाँ भी इतना अच्छा नाम कमाया मेरे बच्चे ने। तो वाकई में संस्कारों का असर आपके बच्चों में, असली दौलत वही होते हैं तो वहाँ समझ में आता है। और इससे ऊपर असली दौलत आपका ध्यान है, जो आप ऊपर जाएंगे तो कितना अच्छा एकत्रित करके आपको कितनी दुआएं मिली हैं, कितना लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आप लेकर के जाएंगे। ध्यान में आने से पहले मेरे साथ एक और घटना ये थी कि मैं बचपन से नॉन वेजिटेरियन थी और मैं इस्कॉन से जुड़ी, तो हमें माता जी ने बोला कि आप खाते हैं तो प्लीज़ मत खाइए। वो घर में खाना बनाया तो उन्होंने कहा किस बर्तन में बना हुआ है। मुझे बड़ा शेम लग रहा था कि मैं खाना इतने अच्छे से मन से बनाया है, और माता जी बस इसी वजह से कि मेरे घर में नॉन वेज बनते हैं उन्होंने बहुत कम लिया। तो लेकिन जब मैं थोड़ा ही छोड़ पाई थी तब तक, लेकिन जब मैं PMC से जुड़ी, मेरी पति मैम से बात हुई, तो उनको रोते रोते मैंने सेशन में बताया कि मेरा छूट चुका है, मैं नॉन वेजिटेरियन अब वेजिटेरियन बन गई हूँ। और अपने आप से दिल से छूटा, ये नहीं कि मुझे किसी ने फोर्स किया या कुछ, ये ध्यान में जाने के बाद में से घटना मेरे साथ हुई। और मैं सबको, मैं किसी को भी क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, वो लिखने में ही इतना प्यार आने लगा है। जैसे पत्री जी कहते हैं आप घृणा करोगे वो कई गुना बढ़ जाएगी, आप प्यार बांटना शुरू करके तो देखिए कितना प्यार आप समा नहीं पाएंगे, इतना प्यार आपको। मेरे लिखने में भी मैं ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे फेसबुक पे लिखती रहती हूँ, वो भी अपने ब्लैंकेट के अंदर, कि मेरे हस्बैंड उठ जाएंगे फिर जग गई तू। मेरे को गुस्सा किया जाता है कि केवल 3 घंटे कैसे सोती हो। मैं ध्यान की वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ कि मैं पूरा दिन एनर्जिक रहती हूँ। और डॉक्टर्स को भी कहती हूँ कि भी है ना, कि डॉक्टर पूछते हैं कि इतने घंटा सोती हो क्या करती हो आप, बीमार हो जाओगी, दिमाग चल जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारा जो मेडिटेशन है PMC का, आप 1 घंटा अगर ध्यान करते हैं तो आप 7 घंटे की नींद प्रॉपर ले पाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स लोग ये नहीं समझते, वो हमें मालूम है कि मैं सुबह 3 बजे से उठी हुई और फुल एनर्जी हूँ और पॉजिटिविटी रहती है, पूरा दिन एनर्जी रहती है। आप वर्क जो भी काम कर रहे होते हैं इतनी तन्मयता से करते हैं, इतनी खुशी से करते हैं। ये हस्बैंड गुस्से भी कर रहे हैं तो उनको भी कूल कर देना। तो मेरे हस्बैंड पे भी असर आ रहा है कि उनका भी मन अब मेडिटेशन की तरफ थोड़ा जाने लगा है। मेरा बेटा बेटी पहले से ही मेडिटेशन करते हैं। मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि मम्मा मैं आपके साथ हर जगह हूँ, लेकिन आप बिल्कुल पंचुअल रहें, आप ओवर मत हुआ करें। तो ये ओवर ना होना, अपने आप को कैसे कम बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है कि आप किसी की आत्मा को अच्छी वाला टच दे के जाएँ। किसी की आत्मा कभी भी आपकी वजह से ना दुखें, आपके ये अच्छे कर्मों में ही आता है। तो अच्छे ही कर्म करते चलिए, अच्छा ही करते चलिए। हर अच्छे के पीछे बहुत बड़ी अच्छाई छिपी है जो प्रभु देख रहा है, आपके साथ कभी भी गलत होगा ही नहीं, इसकी गारंटी हमारे पत्री जी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। उनके 18 जो सूत्र हैं, जब वो बोलते हैं कि आप 18 सूत्र, कहीं ना कहीं मैं पाती हूँ कि मैं उन सूत्रों में पूरा हो चुकी हूँ, मैं पूरा फुलफिल्ड है। मेरे जो थोड़ी बहुत कमी है मैं उनको ज़रूर सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ PMC में आएं, इस ध्यान को अपनाएं और अपने घर में खुशियाँ किस प्रकार से, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, अपनी टोटल लाइफ मेरी तरह चेंज करता हुआ पाइए। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कि आप समा नहीं पाएंगे, ताकि आपको देख करके ही लोग कहें आप इतना खुश कैसे रहते हैं, इतना पूरा एनर्जी कैसे रहते हैं। वो जादू मेरे योगा वाले सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, आज उन्होंने इतना कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे दिया है, इतना प्यार भरा कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास इतना जादू हो रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। वो सब मेरे को लग रहा है पत्री जी मेरा अच्छे मन से मैं कर रही हूँ, निष्भाव निष्कर्म से मैं कर रही हूँ, कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले ऐसा मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो बांट रही हूँ बस मैं बांटती चली जाऊँ, मेरे उसको बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि PMC ध्यान से जुड़ें, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज होता हुआ आप तभी देख पाएंगे जब आप ध्यान से जुड़ेंगे।
आप करके तो देखिए, इसका जादू आपको दिखने लगेगा। थोड़े दिनों में आप घबरा ना जाएं कि हमारे साथ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा जो आपके साथ हो रहा है। इस पर बिलीव ना करें, होगा, किसी के साथ जल्दी हो रहा है, किसी के साथ देर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसके जादू को अगर आपने अपनाना है, देखना है, तो निगेटिव चीज़ों से हट जाएँ, निगेटिव चीज़ें घर में ना होने दें, पॉजिटिव की तरफ आ जाएँ, तो आपके साथ हर चीज़ वो पॉजिटिव होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद। सभी PMC में आएं, जियो चैनल को अपने घर में लगवाएं। हमारा सैटेलाइट बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है कि हर घर तक ये पहुँचे। तभी आप जब सुनेंगे तभी इसकी वैल्यू जान पाएंगे, क्योंकि YouTube पर मैं समझती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में आप नहीं समझ पा रहे, और वो TV मैं सारा दिन देखती हूँ, तो इतना कुछ चेंजेस मैं देख पा रही हूँ मेरे हस्बैंड में, मेरी फैमिली में, वो आपके अंदर आपके घर में भी प्रवेश करेगा। तो पॉजिटिव लाएँ, बिल्कुल PMC को अपनाएँ, ध्यान अपनाएँ, और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, आनंद में हो जाएं जैसे मैं हूँ। थैंक यू।